प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद सरकार का ऑपरेशन ब्लैक मनी शुरू हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज देश भर में एक साथ 300 से ज्यादा कंपनियों पर छापे मारे हैं। खासकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम ने आज सुबह एक साथ देश के तमाम बड़े शहरों में छापेमारी की। ईडी उन फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिनका संबंध काले धन को सफेद करने से था। सूत्रों के मुताबिक ऐसी तकरीबन 300 कंपनियां हैं ईडी के निशाने पर जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा काले धन को ठिकाने लगाया है। चंडीगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सलील खन्ना। पूरे देश भर में 300 से ज्यादा जगह पर ईडी की रेड चल रही है। हम इस समय मौजूद हैं सेक्टर चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के अंदर। यहाँ पर परीना होल्डिंग्स के अंदर ईडी की रेड जो है इस समय चल रही है। पूरे पंजाब की अगर बात करें और चंडीगढ़ की बात करें 300 से ज़्यादा जगह पर जो रेड है ईडी की चल रही है। चंडीगढ़ सेक्टर 17 के अंदर भी मैं यहां पर दिखाना चाहूँगा परीना होल्डिंग्स के अंदर ईडी के दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहां पर जो शेल कंपनी है उसके खातों को खंगालने में लगे हुए हैं। और ये रेड इसलिए हो रही है कि नोटबंदी के दौरान जो लोगों ने काले धन को सफ़ेद करने की कोशिश की उसको लेकर ये जो रेड्स है पूरे अगर पंजाब की बात करें और चंडीगढ़ की बात करें वहां पर चल रही है। और यहां पर भी सेक्टर 17 के अंदर भी जो ईडी के लोग हैं यहां पर जो शेल कंपनी के दस्तावेज हैं वो पूरी तरह से खंगालने में लगे हुए हैं और अभी तक ये रेड पूरी तरह से जारी है। सलील खन्ना, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।